वैसे भी हम इंडियंस क्विक होते हैं हर चीज़ में जुगाड़ लगाने के लिए और तुरंत ही हर चीज़ का कोई क्विक सोल्यूशन निकालने के लिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ब्यूटी एंड फैशन हैक्स, यानी कि ब्यूटी एंड फैशन के जुगाड़, जिससे कि हम कोई कोई सिचुएशन में अगर फंस भी जाए तो हम क्विकली उसे बाहर निकल सके। आई होप आप सब इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले 10 सेकेंड का टाइम ले लीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को हिट नहीं किया तो नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो की टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रही है तो इसे लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस वीडियो के लिए हम टारगेट कर रहे हैं 150 लाइक्स का। आई होप कि आप इस छोटे से टारगेट को रीच करने में मेरी मदद करेंगे और इस वीडियो को भर भर के लाइक्स करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। चलिए बढ़ते हैं मेकअप हैक्स की तरफ। सबसे पहला मेकअप हैक है आईब्राउ से रिलेटेड। तो बेसिकली मैंने इस तरह का एक सोप ले लिया है और एक स्पूली की सहायता से इस सोप को ब्रश कर लिया है, और इस स्पूली में जो भी वो सोप का पार्टिकल आ जाएगा तो मैंने सबसे पहले इसे अपने आईब्राउज में ब्रश कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये अच्छा सा एक बेस दे देगा हमारे आईब्राउज को। अगर आपके आईब्राउज के हेयर बहुत थिन है तो ये थोड़े से बुशी और अच्छा शेप बैठेगा, और इसके बाद आप जो भी आईब्राउ प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से आपके आईब्राउज पे सेट करेगा और आपके आईब्राउज को घने लगने में हेल्प करेगा। तो आप कोई भी जेल सोप हो या कोई भी तरह का सोप हो, आप अपने आईब्राउज के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट मेकअप हैक है कंसीलर को सेट करने से रिलेटेड। तो ये वाला हैक मैंने एक्चुअली टिकटॉक से देखा हुआ था, और जब मैंने खुद पे ट्राई किया तो आई वाज अमेज्ड बाय द रिजल्ट। तो आप जैसे अपना कंसीलर नॉर्मली यूज़ करते हैं, आपको उसी तरह से कंसीलर को यूज़ करना है। बट सेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस तरह से थोड़ा सा कोई भी सेटिंग स्प्रे आपके हैंड के पीछे ले लेना है, और इस तरह से वो सेटिंग स्प्रे से डॉट डॉट करके आपको अपने कंसीलर को सेट करना है। इससे क्या हो जाता है कि आपका कंसीलर एकदम लॉक हो जाता है उस जगह पे, आपकी अंडर आइज पे वो क्रीज लाइंस भी नहीं बनती और आपका कंसीलर बिल्कुल स्मज नहीं होता है। जैसे हम अपने मेकअप को लॉक करते हैं और हम चाहते हैं कि वो मेकअप स्मज ना हो, उसी तरह से आप कॉन्सेंट्रेटेड सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रहे हैं हमारे अंडर आइज को सेट करने के लिए। तो इससे एक फ़ायदा ये हो जाता है कि हमारे अंडर आइज में बिल्कुल क्रीज नहीं होता है, और सेकेंड जब हम लूज पाउडर यूज़ करते हैं तो हमारी अंडर आइज में एक भारी पनसा लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं बट फिर भी यू कैन सी द डिफरेंस कि थोड़ा सा हैवीनेस लग रहा है। तो इससे वो हैवीनेस बिल्कुल नहीं रहता है, और 100% गारंटी होती है कि आपकी कंसीलर बिल्कुल स्मज नहीं होगी, और आप जो अंडर आइज पे जो आई शेडो यूज़ करते हैं या फिर काजल वगैरह यूज़ करते हैं वो भी बिल्कुल स्मज नहीं होगा, क्योंकि आपकी अंडर आइज एकदम प्रॉपरली सेट हो गई होगी। तो ये वाला तो मैं बिल्कुल आपको बहुत स्ट्रेस करके रिकमेंड करूँगी गाइस, आप मेकअप यूज़ करते हैं तो आप इस कंसीलर वाले हैक को ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट ब्यूटी हैक है हेयर वॉल्यूम से रिलेटेड। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जब हम हमारे हेयर को शैम्पू करते हैं और जब हम ओपन हेयर रखना चाहते हैं तो वो हेयर बहुत ही फ्लैट गिर जाता है, यानी कि बहुत ही फ्लैट लगने लगता है। और अगर आप मेरी तरह जिन्हें की वॉल्यूम पसंद है तो मैं ये हैक बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। पर ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ड्राई शैम्पू तभी यूज़ करें जब आपके हेयर ऑयली हो, आप इस पे ड्राई हेयर पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके हेयर को बहुत अच्छा एक आपके रूट्स को बहुत ही अच्छा एक वॉल्यूम मिलता है। और अगर आप ड्राई शैम्पू यूज़ नहीं करते हैं तो आप उसी तरह से कोई भी टैल्कम पाउडर या बेबी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह काम करता है ये। तो आपको बेसिकली अपने रूट्स पे अपने छोटे छोटे सेक्शंस पे इस पाउडर को लगा लेना है और अच्छे से अपने रूट्स को इस तरह से मसाज करना है, और आप देखेंगे कि अच्छा सा एक वॉल्यूम मिल गया है और आपका हेयर इस तरह से फ्लैट नहीं गिर रहा है। हैक को मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ये वो फ्लैट गिरने वाला लुक पसंद नहीं है। आई लाइक माई हेयर टू बी वॉल्यूमिनस। और बैक कॉम्बिंग से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो जाता है, तो इससे मुझे ये तरीका अच्छा लगता है। ये तरीका बहुत ईजी लगता है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, जिससे कि हमारे रूट्स पे बेसिकली बहुत अच्छा वॉल्यूम बन जाता है। एक बार ऐसा हो जाता है कि हमें कोई परफ्यूम की स्मेल या फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है बट उसकी लॉन्जिटिविटी ज़्यादा नहीं रहती है, यानी कि वो ज़्यादा देर तक उसकी स्मेल टिकती नहीं है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आपको वैसलीन को यूज़ करना है, और जहाँ पे भी आप परफ्यूम यूज़ करते हैं नॉर्मली अपने ईयर्स के पीछे और आपके पल्स पॉइंट पे, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले इस तरह से वैसलीन अच्छे अमाउंट में लगा लेना है, और उसके बाद सारी जगहों पे आपको वैसलीन लगा लेना है। उसके बाद अगर आप अपनी परफ्यूम को यूज़ करेंगे तो आपकी परफ्यूम की लॉन्जिटिविटी 100% बढ़ जाएगी। वैसलीन अगेन आपकी परफ्यूम को डिहर करने का एक मौका देता है, जिससे कि उसकी लॉन्जिटिविटी बढ़ जाए। तो ये हैक को भी ज़रूर यूज़ कीजिए उन परफ्यूम्स के लिए जो ज़्यादा समय तक जिनकी स्मेल आपको लगता है कि टिकती नहीं है, तो आपको बार बार रीअप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हैक है लिप्स से रिलेटेड। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिप्स बहुत ड्राई हैं या फिर आप मैट लिपस्टिक्स या डार्क लिपस्टिक्स जब लगाते हैं तो आपके लिप्स से स्किन पील होती है,
तो ये हैक उनके लिए है। लिपस्टिक यूज करने से पहले आपको अच्छा सा अमाउंट वैसलीन ले लेना है और अपने लिप्स पे लगा लेना है, और वैसलीन यूज करने के बाद आप कोई भी एक सॉफ्ट ब्रिसल वाला टूथब्रश ले ले और उसे अपने सर्कुलर मोशन में अपने लिप्स को इस तरह से आप मसाज कर ले। इससे आपकी लिप्स की डेड स्किन बहुत अच्छे से हट जाएगी और साथ ही साथ आपकी लिप्स में एक अच्छा सा ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा, जिसके बाद अगर आप सिर्फ लिप बाम भी लगाएंगे तो भी आपकी लिप्स बहुत फुलर लगेंगे और पिंकिश लगेंगे। और अगर आप उनमें से जिन्हें डार्क लिप्स पहनना पसंद है तो भी आप इस हैक को यूज़ कर सकते हैं अच्छे से अपने लिप्स को स्क्रब करने के लिए। और उसके बाद अगर आप डार्क लिपस्टिक यूज़ करेंगे तो आपकी लिप्स में वो फ्लेकी स्किन नहीं होगी और वो लिपस्टिक अच्छे से आपके लिप्स पे दिख पाएगी। जब आपके लिप्स बहुत अच्छे से स्क्रब किए हुए और क्लीन किए हुए और मॉइस्चराइज्ड होते हैं तो वो लिपस्टिक की लॉन्जिटिविटी भी बढ़ जाती है और ऑफकोर्स लिपस्टिक बहुत अच्छे से आपके लिप्स पे दिखती है और उसका कलर पिगमेंटेशन भी बहुत क्लियरली दिखता है। तो नेक्स्ट टाइम डार्क लिप्स पहनने से पहले अगर आपको लगता है कि आपकी लिप्स की स्किन बहुत ड्राई है या फ्लेकी है तो आप इस हैक को ज़रूर यूज़ कीजिए। एक सिंपल मेरा नेक्स्ट मेकअप हैक है आई लैशेज से रिलेटेड। तो आप अगर मेरी तरह हैं जिन्हें डेली बेसिस पे फॉल्सीज लगाना अच्छा नहीं लगता है बट आपको वॉल्यूमिनस लैशेज अच्छे लगते हैं तो दिस हैक इज़ फॉर यू। आपके पास अगर कोई भी इस तरह का कॉम्पैक्ट पाउडर हो या फिर ये मैं इस केस में मैं ये वाला पाउडर यूज़ करती हूँ तो मैं एक फ्लैट ब्रश लेती हूँ, इसमें इस तरह से पाउडर को लोड कर लेती हूँ और मस्कारा यूज़ करने से पहले मैं इस पाउडर को अपने लैशेज पर इस तरह से बहुत अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ। यूज़ करने से क्या होता है, जब आप मस्कारा यूज़ करेंगे तो हमारे लैशेस को एक अच्छा सा वॉल्यूम मिल जाएगा और लैशेस थोड़े और घने लगेंगे। तो इसके बाद मैं पाउडर यूज़ करने के बाद अपने आई लैशेस को नॉर्मल जैसे हम कर्ल करते हैं वो कर्ल कर लेती हूँ और फिर एक ही मस्कारा के कोट के बाद आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से हमारे लैशेस वॉल्यूमिनस लग रहे हैं। ये थे मेरे ब्यूटी और फैशन हैक्स एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और रिमाइंडिंग होगी, यानी हैक्स आपको ऑलरेडी पता थे वो उसके लिए एक रिमाइंडर मिल गया आपको कि अगर आप उसे भूल गए तो आप इन हैक्स को ट्राई कर सकते हैं और जो भी मैंने नए हैक्स बताए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कॉमेंट्स में हमेशा की तरह मुझे अपना फेवरेट ब्यूटी हैक और फेवरेट फैशन हैक बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को 150 लाइक्स तक पहुंचाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, बाय बाय। आई होप आपने इस वीडियो का पार्ट वन यानी कि देसी जुगाड़ पार्ट वन देखा है जिसमें मैंने बहुत ही अमेजिंग फैशन हैक्स शेयर किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किए हैं तो उस वीडियो को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।